हमें एक दिन कॉल आया कि एक बड़े कुएं में एक सांड गिरा है। कुआ काफी डीप था और काफी चौड़ा था। हमने समझ नहीं आ रहा था कैसे रेस्क्यू करें, क्या करें, क्योंकि इसके पहले हमने इतना बड़ा रेस्क्यू कभी किया नहीं था। हमने जेसीबी बुलवाई, काफी बार निकालने की कोशिश की, लेकिन कभी उसने रस्सी तोड़ी, कभी वो पकड़ में नहीं आ रहा था। हमें लगा कि बस अभी हमें उसे डूबते हुए देखना पड़ेगा। फिर आधी रात में हमने क्रेन से संभव काफी बार ट्राई करने के बाद में उसे बाहर निकाला। जो पास ही में हमारे सिटी के पास में गौशाला है, हमने उसे हमेशा के लिए वहां पे हमने दे दिया। अभी वो अच्छे से वहां पे रह रहा है। इस रेस्क्यू को अंजाम दिया आधार फॉर एनिमल्स ने, जिसे काजल रॉज जी और उनकी टीम अकोला महाराष्ट्र में चलाती है। मुझे रेस्क्यू करते हुए 2 साल हो गए हैं। ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि उन्हें जब भी कोई इंजर्ड डॉग या कैट कुछ भी दिखता था तो वो लिटरली उसको घर पे लाते थे, उसकी केयर करते, ट्रीटमेंट करते थे, उसे हमेशा के लिए घर पे ही रख लेते थे। तो ये देखते देखते मैं भी फीडिंग स्टार्ट की, फिर रेस्क्यू स्टार्ट किए। शेल्टर ना होने की वजह से बड़े जानवर जैसे कि गाय या बैल, उनका ट्रीटमेंट ये स्ट्रीट पर करके उनके ठीक होने के बाद उन्हें गौशाला में भेज देते हैं, जबकि बड़े डॉग्स का ट्रीटमेंट ये स्ट्रीट पर करने के बाद उन्हें रिलीज कर देते हैं, और छोटे पपीज को ये घर लाके फॉस्टर करते हैं, जिसके बाद ये उनकी अडॉप्शन करवाते हैं। इन्होंने आज तक 900 से भी ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया है, जिनमें कई पैरालाइज्ड डॉग्स भी शामिल हैं। जब शुरुआत में हम पैरालाइज्ड डॉग को रेस्क्यू करते थे तो काफी सारे लोगों का यही कहना होता था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत पराते सर, उन्होंने ट्रीटमेंट की और उसके साथ में एक्सरसाइज, उनकी फिजियोथेरेपी, जब वो ठीक होने लगते तो एक प्रॉपर उनको एक सपोर्ट देके उनका वॉक करवाना, ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है। हमने अभी तक 30 से ज्यादा डॉग्स को हमने वापस उनके पैर पर खड़ा किया है। ऐसे नामुमकिन केसेस मुमकिन होते हुए देख लोग कई जगह से काजल जी को अपने पैरालाइज्ड डॉग्स की ट्रीटमेंट के लिए फोन करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी काजल जी को उन्हें मना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जानवरों के इलाज के लिए कोई शेल्टर नहीं है। शेल्टर बनाने के लिए तो हमें जमीन का प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि लोग को सपोर्ट करें, सो दैट हम एक छोटी सी जगह ले सके, वहां पे कुछ बना सके। जो भी चाहते हैं हमें वॉलंटियर भी कर सकते हैं, मैन पावर की भी थोड़ी सी कमी है, वो भी एक काफी अच्छा सपोर्ट होगा।